मेरा नाम है आत्रम दिलीप कुमार, मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ, आसिफाबाद कुमरम भीम जिला जैनूर मंडल जमगांव। हमारा छोटा सा गांव है, हम आदिवासी गोंड परिवार से हूँ और इसमें ये कला आज से नहीं प्राचीन काल से दादा परदादाओं से करते आ रहे हैं। पहले इसको मिट्टी से बनाते हैं, मिट्टी के गाभा करके बाद में उसको मोम चढ़ाते हैं, मोम का धागा चढ़ाते हैं, उसमें ये साइज़ डालते हैं, फिर बाद में साइज़ डाल के बस नदी का किनारे वाला मिट्टी से ऊपर से लगाते हैं। लगाने के बाद उसको एक चैनल छोड़ते हैं, एक चैनल छोड़ के एक दो तीन दिन सुखाते हैं। सुखाने के बाद में उसको भट्टी में गर्म करते हैं, फिर बाद में पित्तल को गलाते हैं। गलाने के बाद फिर इसमें डालते हैं। ये बहुत मेहनत है सर, इसमें लकड़ी चाहिए, इसमें लकड़ी जंगल से लाना पड़ता है, लकड़ी की बहुत दिक्कत हो रही है, फिर भी हम बहुत कठिन से बहुत कठिनाई से ये काम करते हैं। एक सिर्फ एक दो चार बनाना बोले तो 8-15 दिन लग जाता है। उसके वजह से हमको अभी जनजाति के नाम पे आदिवासी के थ्रू से हमको कमिश्नर मैडम, कलेक्टर वरुण रेड्डी सर हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है। उसमें हमको मटेरियल दिया, उसने हमको पैसा दिया और ये दिल्ली हाट में भेजा, उसका बहुत धन्यवाद है सर। आज हम वहाँ 200-300 परिवार के हैं तेलंगाना में, बहुत पीछे हैं सर, हमें कुछ ना कुछ सहायता चाहिए। धन्यवाद।